मंथल उधमपुर, या नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने उधमपुर जम्मू नेशनल हाईवे का जो स्ट्रेच बना है, जिस स्ट्रेच का 140 रुपया आने का और 140 रुपया जाने का आप टोल देते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये उस रोड की हालत है। ये यहाँ पे लैंडस्लाइड हो रहा है और ये आप देख सकते हैं कि ये पत्थर जो हैं वो ऊपर से आ रहे हैं। अभी आपने एक आदमी को भी देखा होगा, इसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने खड़ा किया है यहाँ पर इस मज़दूर को, ताकि ये लोगों को ये बता सके कि यहाँ ऊपर से पत्थर आ रहे हैं, और यहाँ पे ड्राइव करते समय ज़रा ध्यान से गाड़ी चलाएं। ये आप देख सकते हैं, ये मैं आपके लिए कोशिश करूँगा कि जूम हो और आपको ये जो है ये आप देखिए, ये यहाँ से लैंडस्लाइड हो रहा है। ध्यान से आप देखेंगे, ये स्लाइड वाला एरिया है और यहाँ सभी जितने भी लोग उधमपुर से जम्मू की तरफ आ रहे हैं, डोडा भद्रवाह किश्तवाड़ से, आज लॉकडाउन के बीच में ट्रेवल करने का फैसला किया है, उन सभी लोगों से गुजारिश कि जब आप मंथल, जहाँ वो मशहूर अचार मिलता है, उससे थोड़ा सा आगे आएंगे तो ज़रा ध्यान से अपनी गाड़ी चलाइएगा, क्योंकि यहाँ लैंडस्लाइड हो रहा है, पत्थर नीचे आ रहे हैं, और चूंकि पत्थर वक्फे के बाद आ रहे हैं, यानी पत्थर नीचे नहीं आ रहा, बीच बीच में जो है पत्थर नीचे आते हैं, और आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े पत्थर नीचे आते हैं। आज हालांकि मौसम बिल्कुल साफ है, आसमान आप देख सकते हैं बिल्कुल साफ है, आज बारिश के आसार भी नहीं है। ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की गाड़ी घूम रही है यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं, ये बेसिकली पत्थर हैं जो इस समय मंथल के पास, थोड़ा सा मंथल से जब आप आगे आएंगे तो वहाँ पर ये लैंडस्लाइड हुआ है, पत्थर नीचे आ रहे हैं, और ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यहाँ पर एक अपने कर्मचारी को खड़ा किया है। ये यहाँ पर खड़े सिर्फ इसीलिए हैं ताकि लोगों को ये बता सकें कि ध्यान से यहाँ पर गाड़ी चलाएँ, क्योंकि यहाँ ऊपर से पत्थर आ रहा है। तो ये आप ध्यान से देख सकते हैं कि ये वो एरिया है, और स्ट्रेट लाइन के ऊपर सिर्फ